क्या बच्चों वाली हरकत है, गिर जाती तो? पर गिरी तो नहीं ना? हाँ, क्योंकि मैंने आपको पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या हुआ? और वैसे भी अच्छा दिन के बाद में आपको मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुश रहिए, आप पकड़े रहिए, मैं सामान उतारती हूँ। ठीक है। अब जाइए, मैं खुद ही कर लूंगी। बा, मैं आज ही लाला जी के गहने पॉलिश करवा कर लेकर आती हूँ, ठीक है? मम्मी। हाँ। एक मिनट, आप कहाँ जा रही है? मैं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा, पता भी है कहाँ जाना है? प्रवीण भाई की दुकान देखी है? प्रवीण भाई एंड सन। हाँ, हमारे खानदानी सुनार है, लालजी के गहने हमेशा उन्हीं के यहाँ तो जाते हैं। ठीक है। एक मिनट, अमित तू कहीं नहीं जाएगा। क्या बात है? उसे एक बहुत ही अर्जेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, पर प्रवीण भाई के वहां तो फाल्गुनी भी जा सकती है ना, वैसे भी हर साल फाल्गुनी तो जाती है। ठीक है। पूजा की चौकी पर कौन सा कपड़ा रखूं? कोई सा भी रख दीजिए, चाहे तो दोनों रख दीजिए। अगर सॉरी बोलेंगे तो बता देंगे। अमिता, ये सीधा है क्या? नहीं, राइट से थोड़ा ऊपर। ये बहुत ऊपर हो गया। नहीं, थोड़ा सा नीचे। एक बताओ ना, कभी ऊपर कभी नीचे। इतना नीचे? अब थोड़ा सा ऊपर और राइट। तुम तो क्या कर रही हो, बताओ ना। थोड़ा ऊपर। ये एक्चुअली अमित, मुझे ना समझ नहीं आ रहा, आप किसी और से पूछ लीजिए। अरे अमिता जी, ये अमित से कह देना कि वो पंडित जी को पूजा का समय बता देगा। ठीक। पापा, मेरी प्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए ना। इसे रख दे बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन पापा, एक बार देख तो ला, मैंने सब कुछ कवर किया, सारी डिटेल सब कुछ। रोहन को मैंने दिखाया तो रोहन ने कहा बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन। अमित बेटा, एक बार फिर से रोहन को तेरा काम करना पड़ा, और क्या काम किया, सुपर प्रेजेंटेशन। थैंक यू रोहन। काका, इसमें थैंक्स की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन पापा, मेरी प्रेजेंटेशन एक बार देख तो लीजिए, मैं लगभग पूरी कर चुका हूँ। गुड जॉब। वैसे तो मैंने भी काका को यही बताया कि लगभग पूरा प्रेजेंटेशन तुमने रेडी किया था, मैंने तो सिर्फ फाइनल टच दिया था। क्या बेटा, बिजनेस में हमेशा फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट की कदर होती है, अधूरी चीजों की नहीं। रोहन, एक काम कर देना बेटा, वो प्रेजेंटेशन पूरा फिर से एक बार देख लेते हैं। श्योर काका, आइए। अमित, तू भी आना, वैसे तूने भी अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, आ जा। काका, इसमें लगभग 7 कंपनीज की पूरी डिटेल्स है, जैसे फल्लू, मैंने कहा था ना कि ये गहने सिर्फ हमारे खानदानी सुनार के पास ले जाने चाहिए, लेकिन तू उन्हें अपने खानदानी सुनार के पास ले गई। बाप, ऐसी बात नहीं है। तू चुप रहे,
आज तक वो गहने सिर्फ प्रवीण भाई के पास ही गए हैं, लेकिन अब जब मैं चल फिर नहीं सकती तब तुम लोग अपनी मनमानी करेगी? बा, प्लीज सामलो तो, नाराज मत हुई आप। बा, लालजी के गहने सही से पॉलिश करके आ जाएंगे, और अगर फिर भी आपको तसल्ली ना हुई तो आप ही के सुनार के पास फिर से पॉलिश करवा के लाऊंगी, बस। हाँ बा, और हम लालजी को ऐसे सजाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे, है ना मम्मी जी? हाँ हाँ, मुझे पता है, तू अपनी सास की लाडली मत बन। और तू यहाँ क्या कर रही है? अभी भी कितने सारे काम बाकी है। तुम अमित को जाके याद दिला दो कि उसे क्या क्या करना है। हाँ बा, आप सच कह रहे हो, काफी काम बाकी है, अभी जाके उन्हें सब याद दिलाती हूँ। हेलो जी, मैं मिश्रा जी को कब से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ क्या है ये? केले के पत्ते, पंडित जी को टाइम पर बुलाइए, गाय का गोबर लाइए। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही है, ये मैं हर साल करता हूँ। नहीं, आप कुछ चीज भूल रहे हैं ना, इसलिए। क्या भूल रहा हूँ? खुद याद कीजिए। देखो अमिता, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तो ये बचकानी हरकतें करके मुझे और परेशान मत करो। अगर आप कुछ याद है तो मुझे बोल दो, वरना मुझे एसएमएस कर देना। चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और अमिता को सॉरी बोलो। हेलो मिश्रा जी, मैं आपका फोन कब से ट्राई कर रहा था, फोन नहीं उठा रहे। सॉरी जी, मीटिंग में था। अच्छा मिश्रा जी, क्या हम मिल सकते हैं आपकी कंपनी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करने के लिए? वो मीटिंग तो हो गई। हो गई? आपको नहीं पता? नहीं। किरिट भाई ने मुझसे कहा था कि मैं रोहन से बात करूं, तो रोहन से मीटिंग हो चुकी है। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अमित बेटा, अब तू खाने में भी इतनी देर से आएगा तो सब यही कहेंगे ना कि मैं दुनिया के सारे काम तेरे से करवाता हूँ। अरे दुनिया के सारे काम आप करवाते हैं, भगवान के काम हम करवाते हैं। पूजा की सारी तैयारियां अमित ही कर रहा है। अमिता, तूने अमित को समझा दिया था ना ये क्या करना है? जी बा, मैंने इन्हें सारी चीजों की लिस्ट बनाकर दे दी। आपने दूसरी लिस्ट पढ़ी थी? कौन सी लिस्ट? दूसरी वाली। पढ़ ली होगी। और मैं शांति से खाना खा लूं? लीजिए। वैसे भी अच्छा दिन बाद तो आपको शांति से खाना खाना है। बोलिए आंटी जी। कल मैं यहाँ पर आई थी, मैंने महेश भाई को ना अपने गहने दिए थे पॉलिश करवाने के लिए, उन्हीं को लेने आई हूँ। आंटी यहाँ पे तो कोई गहने नहीं हमारे पास। हाँ? अरे नहीं नहीं, मैं कल आई थी ना दोपहर को 1 बजे के आसपास, याद है? तुम भी तो थे वहाँ पर। अच्छा एक काम कीजिए, आप अपना रसीद दिखाइए। अरे क्या रसीद की बात कर रहे हो बाबा, कल मैं आई थी तो महेश भाई थे यहाँ पर, मैंने उनको अपने गहने दिए, उन्होंने कहा उनका प्रिंटर खराब था इसलिए उन्होंने मुझे कोई रसीद दी नहीं, मैंने मांगी भी नहीं। इतने सालों से मैं आपकी दुकान से अपने गहने पॉलिश करवा रही हूँ, वो सब छोड़ी मुझे मेरे गहने दे दीजिए। देखिए आंटी जी, अगर आपके पास रसीद नहीं है तो आपको महेश भाई के आने तक रुकना पड़ेगा। अब तो कोई बात नहीं, उनको फोन लगाओ। पापा तीर्थ यात्रा पे गए हैं, पापा फोन यहीं रख के गए हैं। पर इसे कैसे हो सकता, घर पे पूजा है मेरी। आपको पापा के आने तक रुकना पड़ेगा। सॉरी
फल्लू, मैंने कहा था कि वो गहने सिर्फ हमारे खानदानी सुनार के पास जाने चाहिए, लेकिन तू उन्हें अपने खानदानी सुनार के पास ले गई। वाह अमिता, रंगोली तो बहुत सुंदर बनी है। आपको पता है नानी जी, मुझे ना स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिली थी रंगोली के लिए। अच्छा, अच्छा नानी जी, मम्मी जी अभी तक आई नहीं, बहुत देर हो गई है। अरे कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। फिर भी तुझे अगर फिक्र हो रही है ना तो फोन कर लेना। फोन भी नहीं उठा रही, क्या करूं? मम्मी जी, आपको इतनी देरी हो गई आने में, हम कब से इंतजार कर रहे थे। आपको पता है मैंने ये रंगोली बनाई है, नानी जी को भी बहुत अच्छी लगी। आप नहीं आए थे तो मैंने वैसे ही बनाई जैसे अपने घर पे मैंने कहा था ना कि वो हमारे खानदानी सुनार के पास जाने चाहिए। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? काका, काका पानी लाइए प्लीज। क्या हुआ आप? अमित जल्दी मम्मी जी अंदर ले जाइए, चलिए रूम में चलिए। चलो चलो फालू संभाल कर। मम्मी जी रूम में चलो। जब आई थी परेशान लग रही थी, कुछ हुआ क्या? जाते समय तो बिल्कुल ठीक थी, पर सुनार के यहाँ से जब निकली तो मुझे कुछ बेचैन लगी, तो मैंने पूछा पर उन्होंने कहा कि सब ठीक है। मम्मी जी को हुआ क्या? इनके तलों की इसी तरह से मालिश करते रहिए। डॉक्टर, मम्मी को क्या हुआ है? इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है और उसी वजह से बेहोश हो गई। वैसे इन्हें कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई तो बात होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये इतनी परेशान है और तनाव की वजह से इनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया। जाते समय तो बिल्कुल ठीक थी, पर सुनार के यहाँ से जब निकली तो मुझे कुछ बेचैन लगी। खैर कोई बात नहीं, मैंने दवाई लिख दी है और आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी तरह का कोई तनाव न पहुंचे, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया तो दिक्कत हो सकती है। और इस बात का भी ध्यान रहे कि हमेशा इनके पास कोई ना कोई रहे। मैं मम्मी जी के पास रहती हूँ, आप सब पूजा की तैयारी कीजिए। फल्लू की तबीयत इतनी खराब हो गई है, लालजी स्थापना पूजा कैसे होगी? कौन कर शे? बाप, लालजी की पूजा अगली बार करेंगे, इस बार कैंसिल कर देते हैं। अमित जरा सोच समझ कर बोला करो, अभी इतने सारे लोगों को इनवाइट कर चुके, अब पूजा कैंसिल कैसे कर दे? पापा, लोग जरूरी है, मम्मी की तबीयत। अमित, लोगों की बात नहीं है, पर एक बार स्थापना का संकल्प लेके पीछे हटना अच्छा नहीं है, अशुभ होता है। वैसे भी घर में इतनी किटकिट हो रही है, पूजा तो होनी ही चाहिए, होकर रहेगी। जमुना बेन, पर अब सवाल ये है कि ये पूजा की सारी तैयारियां कौन करेगा? अब तक तो हर बार ये फल्लू ही सारी जिम्मेदारियां संभालती थी, अब फल्लू की जगह पे कौन करेगा?
ये है ना, ये टीना, ये भी तो इस घर की बहू है। एक अर्शे, वाह आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अरे वाह, आज सूरज क्या थी निकलो। अच्छा तो चलो, सारी जिम्मेदारी अब। बस एक बात है जो मैं आपको बताना भूल गई, वो आजकल ना मेरा बीपी काफी लो रहता है और ऐसे में व्रत रखूंगी तो। वैसे कोई बात नहीं, लालजी स्थापना पूजा ज्यादा जरूरी है, उसके लिए अगर मेरी जान को खतरा भी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं टीना, हम तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आपकी बात तो मैं टाल ही नहीं सकती किरित भाई। तो पूजा का इंतजाम करेगा कौन? मैं करूंगी बा। कैसे करूं? करूंगी ना, और अगर करूंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे? आप पर बेटा तुम अकेले ये। बाजी मैं अकेले कहां हूं, बा और नानी जी है ना, वो मुझे समझा देंगे। पर नानी, अगर अमिता सब कुछ करेगी तो मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? हाँ आप यहाँ पर क्या कर रही है? आप जाइए मम्मी के पास, उनका ध्यान रखिए। आप चिंता मत कीजिए, वो दवाई देनी ना तो इसलिए मैं पानी लेने आई थी। और अमित, पल्लू की देखभाल करने के लिए हम लोग हैं ना? अरे अमिता, जब पल्लू जाग जाए तो उसे पूछ लेना कि वो गहने लेके आई थी क्या। जी। समझदार बच्ची है, जब भी कोई तकलीफ हुई इसने हर बार उसका सामना किया। देखिएगा इस बार भी सब संभाल लेगी। मुझे क्या बता रही है, मैं तो पहले दिन से ही समझ गई थी कि कितनी गुणवान लड़की है। और देखिए ना, ये अमिता के गुण सब देखते हैं, एक उसका पति ही नहीं देखता है। ऐसी बात नहीं है नानी। तो अब तय रहा कि पूजा होगी और सारा इंतजाम अमिता करेगी। हेलो हेलो, हाँ महेश भाई है क्या? नहीं है, एक सेकंड, उनके बेटे हैं? हाँ वो भी नहीं है, एक सेकंड। हेलो हेलो, मम्मी जी क्या हुआ? मुझे देखिए, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, पर हुआ क्या? आप किसी से बात भी नहीं कर रही? नहीं, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। अमित जी, जब आप गहने लेने गई थी सुनार के पास तब ठीक थी, मैं जब वापस आई तब आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हुआ था क्या? तुम्हें पता है क्या? मुझे नहीं पता, पर मैं पता करना चाहती हूँ। अमित जी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता अमिता। पर हुआ क्या? मेरे बरसों पहचान के ज्वेलर्स हैं महेश भाई, लाला जी के गहने में हमेशा उन्हीं के यहाँ से करवा के लाती हूँ। उस दिन जब मैं उनके दुकान पे थी तो महेश भाई खुद वहां पर थे, उनका प्रिंटर खराब था इसलिए उन्होंने मुझे रसीद नहीं दी गहनों की और मैंने भी नहीं ली। मैंने सोचा इतने सालों की जान पहचान है हमारी, लेकिन लेकिन हुआ क्या? आज जब मैं अपने गहने उनके पास लेने गई तो वो वहां पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, उनका बेटा था वहां पर। और पूजा है तो मैं क्या करूं, आपको महेश भाई के आने तक रुकना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रसीद नहीं है। I'm sorry। मम्मी जी प्लीज प्लीज रोइए, पानी लीजिए। पर वो ऐसे कैसे मुकर सकते हैं?
सारी गलती मेरी अमिता। आज की दुनिया में ना मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बिना रिसीट के अपने सारे गहने उन्हें देने ही नहीं चाहिए थे। अब मैं बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी अमिता? तेरी एक गलती की वजह से मेरे इस घर के पुराने बरसों लाला जी के गहने चले गए अमिता। मम्मी जी सुनिए, आप परेशान मत होइए कि लाला जी के गहने ना कहीं भी नहीं जाएंगे, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। कोई फायदा नहीं वहां जाने का अमिता, तुम क्या करोगी? मम्मी जी आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी मम्मी जी के साथ कोई बेईमानी करके गहने रख ले ऐसे मैं नहीं होने दूंगी। मैं गहने लेकर आऊंगी, बस मम्मी जी अब किसी और को इस बारे में मत बताइएगा। अमिता तुम करोगी क्या? पता नहीं मम्मी जी, पर हाँ इतना पता है कि मैं अपनी मम्मी जी का सर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी।